राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग। जी हाँ, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग एक मुद्दा बन गया और इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा। सर, क्या ये क्रॉस वोटिंग मतलब आपके पक्ष में वोटिंग हो गई? ये मुद्दा नहीं है, ये अंतरात्मा की आवाज। और राष्ट्रपति के चुनाव में देश के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के आजादी के 75 वर्षों के इतिहास में जनजाति समाज का व्यक्ति देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा और वो भी बहन द्रौपदी मुर्मू, ये निर्णय लोगों के मन और हृदय को छूने वाला निर्णय था। तो इसलिए केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के कोने कोने में लोगों ने आज हमारी निर्वाचित महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रचंड बहुमत का समर्थन दिया। उसमें मध्य प्रदेश के अंदर भी क्रॉस वोटिंग हुई और उसमें 19 लोगों ने हट करके मध्य प्रदेश में उनको समर्थन देने का काम किया, इसलिए मैं तो उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आत्मा की आवाज 19 लोग सुन पाए सिर्फ? नहीं, 19 लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, एक ऐसे विरोधी दल के जनप्रतिनिधि हैं जिनका चेहरा आदिवासी विरोधी है, जनजाति विरोधी है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ ने तो उनको थ्रेट करने का प्रयास किया और जहां व्हिप जारी नहीं होता वहां इस प्रकार की बातें करने का प्रयास किया। तो ऐसे दलित विरोधी चेहरों को नकार के और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देना, यह सामान्य घटना नहीं है, ये राजनीतिक इतिहास की, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक घटना है। सर, ये 19 में सपा बसपा निर्दलीय वो मतलब 7 लोग हैं अलग हैं कि मतलब सबसे देखिए 19 लोगों ने समर्थन किया है। अब 19 कौन हो सकते हैं तो अंतरतम की आवाज ही बता सकती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, आदरणीय नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, एनडीए के नेतृत्व ने जो निर्णय किया था उसको व्यापक समर्थन पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर मिला। ही ऐतिहासिक घटना देश के अंदर हुई। 19 लोग जो हैं मतलब इनमें जो भी लोग कांग्रेस के हैं, जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस ही है, तो मतलब अगले साल यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो आपकी नजर अब 19 पर होगी? देखिए, ये तो कांग्रेस ने इस बात के लिए और कमलनाथ जी को सोचना चाहिए कि आपने जिनको महापौर के प्रत्याशी का चुनाव लड़ाया, आपके सारे विधायकों को जनता ने नकार दिया। ये वही विधायक हैं जो जीत करके आए थे महापौर के चुनाव में। इंदौर के अंदर तो जो आपके प्रत्याशी थे वो अपनी विधानसभा में बुरी तरह से परास्त हो गए। तो दूसरी ओर इस प्रकार से भी द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देकर के कांग्रेस के विधायकों ने ये जो संकेत दिया है, ये वो सोचें और इसके बारे में गंभीरता से, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है इसको सोचना चाहिए। तो बीजेपी की इन पर नजर रहेगी? नजर देखिए, बीजेपी कभी नजर किसी पर नहीं रखती। बीजेपी में, बीजेपी तो हमेशा से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास के मंत्र पर काम करती है और हम लगातार इस काम को करते चले जा रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए कि मध्य प्रदेश की क्रॉस वोटिंग में 19 विधायकों ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। राष्ट्रपति चुनाव में मध्य प्रदेश में हुई जो क्रॉस वोटिंग है वो एक बवाल इस पर मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि 19 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस के 19 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डाला। इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस के नेता मुकेश नायक। सर, 19 आपके विधायक मतलब? देखिए, पूरी पॉलिटिकल कल्चर बीजेपी ने चेंज कर दी है। अब ना विचारधारा का कोई महत्व रह गया है, ना राजनीतिक प्रतिबद्धता का कोई महत्व रह गया है। अब तो ये है कि पैसा, धन, सत्ता, शासन, ऐश्वर्य, ये जिसके पास है वो राजनीति। सवाल तो आपके 19 विधायकों का है सर, बात आपके घर की है। मैं कह रहा हूं ना, ये वही लोग हैं जो धन बल के कारण आस्तीन के सांप थे और अवसर पाते हुए खिसक गए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्हें कांग्रेस पार्टी को इन आस्तीन के सांपों को पहचानना होगा और भविष्य में बहुत सुरक्षा के साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले लोगों को, टिकाऊ लोगों को ही टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारना होगा। बीजेपी घात लगाकर बैठी है लोगों के साथ तोड़फोड़ के लिए, कांग्रेस के लोगों को विश्रृंखलित करने के लिए और दूसरे राजनीतिक दलों को खत्म करने के लिए। ये आस्तीन के सांप है आपकी नजर में कांग्रेस के? ये आस्तीन के सांप है। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस विहीन भारत निर्माण की बात कर रही है और दूसरा बीजेपी को कांग्रेस बनाने पर तुली हुई है। लेकिन सवाल ये है सर कि जब ये 19 विधायक जा रहे हैं, इन पे कार्रवाई क्या चाहते हैं? कोई व्हिप तो हुई नहीं थी, तो अंतरात्मा की आवाज थी? देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं जो घात लगाकर बैठे हुए हैं, अवसर की प्रतीक्षा में है, उन्हीं को मैंने आस्तीन के सांप कहा।
19 लोगों के द्वारा इस तरह से क्रॉस वोटिंग करना, क्या क्या विप की क्या आवश्यकता है? क्या जनप्रतिनिधि को, विधायक को ये मालूम नहीं है क्या कि किस राजनीतिक दल के साथ किस समय और किन परिस्थितियों में खड़े रहना है? उनको अपने चुनाव जीतने होंगे, एक चूंकि देश में पहली बार जनजाति समाज से राष्ट्रपति थी, तो हो सकता है एक कारण ये रहा हो। देखिए, मुझे नहीं लगता कि केवल ये कारण रहा है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कोई आदिवासी है। ये सब धनबल की वजह से हुआ है। और एक ही कारण सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई होता है इस समय भारत की राजनीति में, दल बदल का, अवसरवाद का, आया राम गया राम का, पैसा। यह मुकेश नायक, कांग्रेस के नेता, जो ये कहते हुए कि अगर 19 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है तो वो कांग्रेस में आस्तीन के सांप है और जिनके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज 18 इंडिया।